एक काम कर दें सिर्फ बच्चे को अकीदा जरूर दें यार अच्छी रोटी देते हैं ना अच्छा खर्चा करते हैं ना अच्छी किताबें अच्छे कपड़े लेके देते हैं खुदा के लिए अच्छा अकीदा भी दें अच्छा अकीदा अच्छा क्या होता है अकीदा माँ बाप का अच्छा हो तो बा औलाद का भी अच्छा होता है अगर ब, ब, बच्चे ने आंख खोलते ही देखा कि माँ बाप जो उनसे सारे चढ़ावे मज़ारों पर चढ़ाई जा रहे हैं यहां बच्चे ने देखा जी सारी जिंदगी जो माँ बाप है वो अपना आप पीर साहब के लिए फना कर देते हैं या बच्चे ने सारी जिंदगी देखा कि माँ जो उनसी है वो जैसे ही अबू जाने लगते हैं दफ्तर तो एक इमाम जामन बांध देती है मैं, मैं मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं बताने लगा हूं कि एक से दूसरे में कैसे जाता है तो उसका ईमान बैठ गया कि ताकतें ताकतों का मंबा ये धागे होते हैं जो बाजू पे बांधे होते हैं ताकत तो अल्लाह की जात की है कादिर तो मेरा अल्लाह खुद है जब कादिर अल्लाह खुद है और जहमत करें खुदा के लिए कुरान को तर्जमे से पढ़ने जब आप तर्जमे से पढ़ेंगे तो आपके जो लाइफ के हैं वो कुरानी को के नजूल के बाद और ये इतना बड़ा चैलेंज था कि हमारे रसूल जिनके कदमों की खाँ, खाँ हमने सार खाने पड़े। क्या, क्या चैलेंज आए खुदा के बंदो जिस किताब जो अपने वक्त और आज तक के जमाने के लिए खुला चैलेंज है जब आप उसे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे को अकीदा कंसेप्ट गॉड का कंसेप्ट अल्लाह का एक रहमानियत का तस्वुर नहीं मिलेगा सो यह जरूरी है कि असल खौफ या असल ताल्लुक और नस्बत दी जाए कि यार बेटा तेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा और जब उसे एहसास होगा कि मेरा अल्लाह और मेरे अल्लाह से मेरा कुछ ताल्लुक है मैंने अल्लाह से मांगना है मैं अल्लाह को जवाब दूं तो हजूर फिर बच्चों के अचानक में मोबाइल आपको चेक नहीं करने पड़ेंगे क्यों नहीं करने पड़ेंगे आपको पता होगा मैंने इसे खौफे खुदा दिया है अल्लाह से ताल्लुक और नस्बत दिया है और कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा मेरा अल्लाह देख रहा है और इसका भी यह मान है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है तो आप बड़े मसलों से आजाद हो जाएंगे तो आजकल मियाँ सर क्या है अच्छे कपड़े भी देते हैं अच्छा खाना भी देते हैं सब चीजें कर देते हैं बुनियादी अकीदा नहीं देते और वह बुनियादी अकीदा जरूर देना चाहिए